हमारे जीवन पर आसपास की वस्तुएं और आसपास घटने वाली घटनाओं का सीधा प्रभाव पड़ता है, चाहे वह हमारा घर, आंगन हो या दरवाजा, फिर क्यों ना हो। इसीलिए हम वास्तुशास्त्र का सहारा लेकर इनका निर्माण कराते हैं। ऐसा ना करने पर इसका हमारे जीवन पे काफी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। आज हम आपको दरवाजे से जुड़े वास्तु टिप्स बताएंगे, जिसे फॉलो करके आप बड़ी आसानी से आने वाली कठिनाइयों से बच सकते हैं। यह है दरवाजे के जुड़े हुए कुछ टिप्स। घर के निर्माण के समय दरवाजा लगाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और बिना वास्तु ज्ञान के दरवाजा नहीं लगवाना चाहिए। वास्तु के अनुसार उत्तर, ईशान और पूर्व मुखी दरवाजा लगाना चाहिए। यह दरवाजा बेहद शुभ माना जाता है। आज काम की तलाश में लोग गांव से शहरों का रुख कर रहे हैं, ऐसे में रहने के लिए उन्हें फ्लैट भी खरीदने पड़ते हैं। यहाँ लोग घर खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि मुख्य दरवाजा दो पल्ले का हो। मौजूदा समय में एक पल्ले वाला दरवाजा लगाने का प्रचलन हो गया है, हालांकि वास्तु के अनुसार इसे ठीक नहीं माना जाता है। वास्तु शास्त्र के माने तो दो पल्ले वाला दरवाजा ही शुभ होता है। घर के निर्माण में सबसे अहम हिस्सा घर का मुख्य द्वार होता है। इसके निर्माण में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ ऐसी आकृतियां हैं जो अशुभ मानी जाती है। दरवाजा वैसा नहीं होना चाहिए जिनमें त्रिकोणकार, गोलकार, वर्गाकार या बहुभुज की आकृतियां हो, सही नहीं माना जाता है इसे। घर का मुख्य दरवाजा लगाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर की मुख्य दीवार जिसमें आपको दरवाजा लगाना है, सबसे पहले उसे 9 बराबर भागों में बांटें। दाएं से 5 भाग छोड़कर और बाएं से 3 भाग छोड़कर बीच में बचे खाली भाग में दरवाजा लगाएं। वास्तु के अनुसार घर के दरवाजे की दिशा के साथ साथ दरवाजे का आकार भी काफी अहम माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर का मुख्य दरवाजा छोटा और उसके पीछे का दरवाजा बड़ा होता है तो यह भी वास्तु दोष माना जाता है। उस घर में आर्थिक परेशानियां बनी रहती है। वही घर के 3 द्वार एक सिद्ध में नहीं लगाना चाहिए। आपको बता दें कि ऊपरी माले के दरवाजे नीचे माले के दरवाजे से कुछ छोटे होने चाहिए। घर बनाते समय हम कई बार घर में प्रवेश के लिए 2 दरवाजे रखते हैं, ऐसे घर में वास्तु दोष हो सकता है। घर में प्रवेश का केवल एक मुख्य द्वार होना चाहिए। वास्तु के मुताबिक घर का मुख्य द्वार बीचों बीच नहीं बल्कि दाईं या बाईं ओर स्थित होना चाहिए। इसी के साथ ही घर की विपरीत दिशा में 2 मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, आपको इसमें से कौन सा वास्तु का फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।